हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो मैं अनीता अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए, मेरे वाटिका में कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं। देख के बहुत दिल खुश हो जाता है जब हम इतने मेहनत करने के बाद हमारा फ्लावर खिलता है और ये रंग लाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देख के कि सभी फ्लावर खिल रहे हैं और गुच्छों में खिल रहे हैं। तो आज एक ऐसे ही प्लांट्स के बारे में बात करें, बर्मीना। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, देखिए आज इसी की केयर के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डालते हैं और इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस बर्मीना के बारे में जानते हैं कि इसके फर्टिलाइज़र और इसको कैसे केयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये विंटर सीजन का प्लांट बर्मीना बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये भर के फ्लावरिंग करता है गुच्छों में। हालांकि इसके फ्लावर बहुत छोटे छोटे से होते हैं, देखिए कितने छोटे छोटे से क्यूट से दिखते हैं इसके फ्लावर, और बहुत गुच्छे में फ्लावर खिलते हैं, बहुत ही मात्रा में फ्लावर खिलते हैं। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरा फूल खिलकर जब प्लांट ग्रुप पूरा भर जाता है तो ये पूरा भर जाता है गमला, बहुत खूबसूरत लुक देता है। और देखिए जब ये लटकते हुए जब खिलता है तो और ज़्यादा इसको देखने में खूबसूरत लगता है। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, पॉट्स में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में जब लगाएंगे तो ये लटकते हुए इसका लुक देखने को बनता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे पिंक, वाइट, मेरे पास वाइट है, और रेड, पर्पल, येलो, बहुत सारे शेड के कलर इसके आते हैं, लेकिन सभी कलर इतना ही खूबसूरत लगता है। और देखिए कितने भर की ये फ्लावरिंग किया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों इसके इतना ज़्यादा फ्लावरिंग करने का क्या कारण है? वैसे तो ये ऐसे खिलते ही रहता है, लेकिन जब हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो और ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी मिट्टी की हम बात कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी तो इसमें आधे आधे गोबर की खाद और आधी मिट्टी डाली थी, और थोड़ी सी कोकोपीट या रिवर सैंड डाल सकते हैं, और इसमें मैंने नीम की खली डाली थी। बस इतना ही डाल के इसको मैंने मिट्टी तैयार किया था, और देखिए कितने भर भर के ये फूल खिल रहे हैं। और इसे पूरे सनलाइट की धूप, पूरे सनलाइट चाहिए दोस्तों, पूरे दिन की धूप चाहिए। जितना ये धूप में रहेगा उतना ही ज़्यादा ये खिल के आएगा। तो इसे पूरे सनलाइट दीजिए, पूरे दिन की धूप दीजिए, तो देखिए कितने अच्छे से खिलता है ये। और इसमें पानी दोस्तों, जो पानी की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें पानी हमेशा, मैं जब ये मिट्टी सूख जाती है तब ये सूखने लगता है ये प्लांट, देखिए ऐसे सूखने लगता है। तो इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, और जब तक ये नमी रहे इसमें तब पानी हम ऐड कर देते हैं। देखिए मैंने कल ही इसमें पानी ऐड किया है, तो जब इसमें थोड़ी मिट्टी नमी रहे तभी इसमें पानी ऐड कर दें। अब पूरे दिन की धूप इसे दीजिए तो बहुत अच्छे से चलता है। और इसकी खाद की बात करें तो दोस्तों, खाद इसमें कभी कभी लिक्विड खाद डाल देती हूँ, जैसे ऑनियन पील्स हो गया, बनाना पील्स हो गया, ऑरेंज पील्स हो गया, ये सभी मैं देती हूँ। और कभी कभी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या घर की बनी हुई खाद मैं इसमें दे देती हूँ एक मुट्ठी, और मैं कोई केमिकल वाली खाद नहीं डालती हूँ अभी, तो इस तरह इसमें डाल देती हूँ। और इसमें दोस्तों कीड़े वगैरह कम, बहुत कम लगते हैं, ना के बराबर लगते हैं। अगर इसमें बाय द वे लग भी गई तो इसमें आप नीम ऑयल का कभी कभी छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए ये नीम ऑयल का कभी कभी इसमें छिड़काव कर दीजिए, और इतने डेड फ्लावर है ये खुद ब खुद इसमें झड़ जाते हैं दोस्तों, और इसी में से बीज भी तैयार होते हैं देखिए यहाँ। तो इसे आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये फ्लावर हम निकाल देते हैं, डेड फ्लावर निकालेंगे तो दूसरा फ्लावर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आप जितना इसको आप छोड़ दीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप खिलते रहेगा। और देखिए एक गुच्छे में कितने सारे, 6-7 ऐसे करके फ्लावर खिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुच्छा के फूल खिलते हैं देखिए यहाँ। और सभी जितने फ्लावर हैं डेड फ्लावर अपने से गिरते हैं और अपने से खुद ब खुद इसमें फ्लावरिंग होते रहता है। तो इस तरह इसकी हम केयर कर सकते हैं दोस्तों। और इसको लगाने की बात है तो सबसे इजी इसे लगा सकते हैं हम बीज के द्वारा। इसे बीज कलेक्ट करके जब हम रखेंगे और अगले साल इसको लगाएंगे तो ये लग जाता है, लेकिन कटिंग से दोस्तों मैंने तो अभी तक नहीं लगाया है, तो कटिंग से मुझे नहीं लगता है कि ये प्लांट लगता होगा। और वायद अभी लग भी जाएगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होता है। तो इसे सबसे आसान है बीज के द्वारा आप लगाएँ, या फिर नर्सरी से आप लाएँ, 10-10-50। थोड़ा महंगा प्लांट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लांट होता है विंटर सीजन का, तो थोड़े महंगे प्लांट हैं,
तो लेकिन ये नर्सरी से अवेलेबल हो जाता है तुरंत, और नर्सरी से ला कर लगाए तो बहुत अच्छे से चलता है, नहीं तो बीज से ग्रो कीजिए तो भी ये बहुत अच्छे से चलता है। और ये बहुत सारे कलर में आता है, देखिए देखिए कितने सारे खूबसूरत झुंड से झुंड दिख रहे हैं। तो इस तरह ये लगा सकते हैं। और अभी बीज हम कलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, बीज जब कलेक्ट करेंगे तो आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और दोबारा कह रही हूँ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों।